छत्तीसगढ़ की बलौदाबाजार पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्त में आया मुख्य आरोपी छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की दुकानों पर जाकर नकली नोट चला दिया करता था। ये रिपोर्ट देखिए। बलौदाबाजार पुलिस ने तेंदुकोना इलाके से नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। डुगाझर गांव में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी रूपेंद्र कुमार साहू के कब्जे से 100-100 रुपए के कुल 61 नोट और नोट छापने वाला प्रिंटर, कागज, स्याही सहित अन्य सामान बरामद किया है। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस का दावा है कि जल्द ही गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। साप्ताहिक बाजार था। साप्ताहिक बाजार में रूपेंद्र कुमार साहू, पिता आश्चरण साहू, 25 साल में डोंगाझर थाना तेंदुकोना जिला महासमुंद का रहने वाला था। ये कल नगरा साप्ताहिक बाजार में सब्जी ले रहा था, तो सब्जी वाले के पास किल्लर नहीं था, और किल्लर करने के बहाने ये जो है एक मेडिकल स्टोर में चला गया। लेकिन मेडिकल स्टोर वाले जो है इसके जो नोट को देख करके समझ गया कि ये नकली नोट है। इस पर थाना जिधौरी के थाना प्रभारी को सूचना मिला और उन्हें अपनी पार्टी के साथ वहाँ पे गया। उसके बाद उसको घेराबंदी कर पकड़ा, तो उसके कब्जे से जो नोट लिया वो नकली मिला। पुलिस की पूछताछ में रूपेंद्र साहू ने कबूल किया है कि वो नकली नोटों को उड़ीसा, पिथौरा सहित महासमुंद के आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे दुकानदारों को झांसे में लेकर देता था। ये नकली नोट हूबहू असली जैसे ही दिखते हैं, जिसे कोई भी आम आदमी आसानी से नहीं पहचान सकता। लेकिन जब एक बार आरोपी ने नरधा गांव के बाजार में नकली नोट चलाने की कोशिश की तो दुकानदार को शक हो गया। उसने तुरंत गिधौरी थाना पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। ने ये बताया कि ये नकली नोट है और मेरे पास इसको छापने की मशीन है, प्रिंटर है, कलर है, सारे सामग्री है। इसमें इस तरह से इसे स्वीकार किया तो कल उसके घर में कबीज लेकर के इसके पास से 61 नग 100-100 के नकली नोट बरामद हुआ। इसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं इस कंपनी के प्रिंटर है, कांच है, इंक है, इसके अलावा कटर भी है, सारे सामान इसके साथ से बरामद किया गया है। और थाना की गोली में 489A, B, C, D आदमी के तहत अपराध पंजीकृत कर इसमें लिया गया। पुलिस की सख्त पूछताछ में रूपेंद्र ने कबूल किया है कि कर्ज अधिक होने के कारण उसने अपराध करना शुरू किया था, जिसका आइडिया उसे यूट्यूब के एक वीडियो को देखकर आया था। आरोपी अब तक 9,000 के जाली नोट बाजार में अब तक खपा चुका है। मतलब कर्जे के कारण आप ये नोट छापे, अभी तक टोटल कितने नोट छाप चुके? अभी तक 8-9 हज़ार। और कहाँ कहाँ खपाए? अधिक मैं उड़ीसा में खपाया हूँ, उड़ीसा बॉर्डर में था और महासमुंद एरिया भी, उधर भी मकान था, इधर यहाँ गया आया था। तो डर नहीं लगता था आपको इस टाइप का ऐसा कार्य कर रहे हो तो? मैं मात्र महिला को टारगेट करता हूँ, महिला को, जेंट्स के सामने नहीं चलाता। अच्छा, महिलाओं को आप अपने ये बनाते थे शिकार? पुलिस को शक है कि आरोपी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अब भी उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि उसके साथ किसी अन्य ग्रह के तार जुड़े होने की आशंका की भी पूरी तरह से छानबीन हो सके। हवालात के लिए बलौदाबाजार से अरविंद मिश्रा की रिपोर्ट। ग्वालियर के बोरापुर इलाके